तो भैया क्या लखनऊ वाले अदब से हरा पाएंगे गुजरात टाइटंस को, या गुजरात टाइटंस बोलेगा अभी तक एक भी मैच हमसे जीता है? तो भाई लोग, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच नंबर 21 है ना, इसमें गुजरात टाइटंस के सामने होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। ओ तेरी, मैंने तो उल्टा बोल दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होगा गुजरात टाइटंस, क्योंकि ये जो मैच है वो लखनऊ में खेला जाएगा। तो भैया क्या लखनऊ वाले अदब से हरा पाएंगे गुजरात टाइटंस को, या गुजरात टाइटंस बोलेगा अभी तक एक भी मैच हमसे जीता है? क्योंकि भैया इनके बीच में जो अभी तक चार बार आमना सामना हुआ, चारों बार गुजरात टाइटंस ने अदब से हराया किसको, लखनऊ को। एक भी बार लखनऊ को मुस्कुराने ना दिया, हर बारी गुजरात मुस्कुराए, बोला मुस्कुराओ गुजरात लखनऊ से मैचेस जीत गया है। तो भैया क्या फिर से करेगा गुजरात टाइटंस मैदान फतेह, या लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार तैयार करने के लिए पलटवार और सच में हरा देगा अदब से किसको, गुजरात टाइटंस को, और लखनऊ की जनता को बोलेगा मुस्कुराइए आप मैच जीत चुके हैं। यही तो जानेंगे आज की इस वीडियो में, कौन जीतेगा लखनऊ या फिर गुजरात। इसके अलावा ना आप 5 लाख के गिब्बे के बारे में भी पता लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर, कैसे कब कहां पे 5 लाख का गिब्बे जीतोगे, पूरी वीडियो देख लो आपको पता चल जाएगा। तो भैया वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा अपना फर्ज निभाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हक बनता है ना अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी आपको पता है ना किस ओवर में विकेट जाएगा, 5, 10, 15, 20 ओवर में कितना रन बनेगा, ये कहां पे पता चलता है, टेलीग्राम पे पता चलता है। आप बोलोगे कैसे यकीन कर लो, तो देखो भाई साहब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक बार मेरे टेलीग्राम पे जाओ और आज का मैच जो लखनऊ वर्सेस गुजरात का मैच है इसमें चेक करो, जब जो चीजें मैं बोलता हूं वो चीजें होती है कि नहीं होती। 6 ओवर में जितने रन बोलता हूं उतने रन बनते कि नहीं बनते, 10, 15 या 20 ओवर में जितने रन बोलता हूं उतने रन बनते कि नहीं बनते, जिस ओवर में विकेट बोलूंगा जाएगा उस ओवर में विकेट जाता है कि नहीं जाता, या फिर कौन सी टीम मैच जीतेगी, ये चीज होती है कि नहीं होती। अगर सब कुछ जैसा बोला वैसा होगा तो टेलीग्राम पे टिक जाना, नहीं वैसा होता तो चले आना, कोई पैसा वैसा थोड़ी ना लगता है जाने आने में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, अगर पूरे आईपीएल में आपको धमाल मचाना है तो एक बार टेलीग्राम पे जरूर आ जाना। तो भैया ये जो मैच है ना संडे 7 अप्रैल इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं, और ये जो मैच है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के मैदान पे खेला जाएगा। मेरे लिए थोड़ा सा तालियां बजा दो, क्योंकि इतना बड़ा नाम था मैंने एक बारी में ही ले लिया। इस मैदान पे अभी तक 7 मैच खेले गए, किसके, आईपीएल के, जिसमें से 5 मैच में टारगेट डिफेंड, 2 मैच में टारगेट चेज, पिछले सीजन डिफेंड हो रहे थे, इस सीजन भी शायद थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि पिच थोड़ा सा बदला हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करें 162 रन, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आपको स्कोर देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि पिच बदला गया है। क्यों बदला गया है, कैसे बदला गया है वो आगे बताऊंगा। टारगेट चेज की बात करें 154 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 170 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 154 से 170 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबरी का है, चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भैया यहां का जो सरफेस है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, लेकिन पिछले सीजन हुआ करता था, इस सीजन मुझे लगता है थोड़ा सा जो सरफेस है ना वो सिर्फ हार्ड है, ड्राई हटा दिया गया। इससे वजह से होगा क्या कि थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगा, थोड़ा बहुत बॉल पुराना होने के बाद स्पिनर्स गेंदबाजों को हेल्प मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो बॉल है ना बैट पे अच्छे से आएगा, क्योंकि इस बार जो यहां की कंडीशन है ना वो बैटिंग कंडीशन है। पिछले सीजन स्लो कंडीशन थी तो बॉल बहुत ज्यादा बैट पे रुक कर आता था, जो स्पिनर्स गेंदबाज थे स्लोअर गेंदबाज थे उनके सामने रन बनाना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो परचेस मिलेगा तेज गेंदबाजों को, स्पिनर्स गेंदबाजों को, लेकिन बॉल भी बैट पे अच्छे आएगा क्योंकि जो कंडीशन है वो थोड़ा सा बैटिंग कंडीशन है इस बार। बाउंड्री लेंथ की बात करें 70 से 78 मीटर की, तो अगर देखा जाए तो बहुत छोटी बाउंड्री नहीं है, बहुत बड़ी बाउंड्री भी नहीं है, तो ठीक ठाक है, मीडियम बाउंड्री है, तो बीच बीच में चौके भी लगते रहेंगे, विकेट भी जाते रहेंगे, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है मीडियम स्कोरिंग देखने को मैच आज के मैच में मिल सकता है। अगर पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 44 से 49 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो लखनऊ ने 7 मैच खेला, 4 जीता 3 हारा, मतलब लखनऊ एक जीतता है एक हारता है, लखनऊ मुस्कुरा ना पाता यार अपने घर में अच्छे से, तभी तो एक जीतता है एक हारता है। गुजरात टाइटंस की बात करें 1 मैच खेला जीता, और ये मैच किससे खेला था, लखनऊ से खेला था, तो मतलब गुजरात लखनऊ के घर में भी आके लखनऊ की बजा चुका है। तो क्या आज के मैच में फिर से ऐसा होगा, दोनों टीमों के बारे में जाते हैं तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की, अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो आई थिंक 2 चेंज हो सकते हैं, भले पिछला मैच जीते हैं, पहला मोहसिन खान फिट होंगे तो यश ठाकुर की जगह पे आ जाएंगे, दूसरा चेंज मुझे लगता है आयुष बदोनी की जगह पे ना
दीपक हुडा या देवदत्त पड़िक्कल की जगह पे दीपक हुडा, दोनों में से किसी एक की जगह पे दीपक हुडा को मौका मिल सकता है आज के इस मैच में। क्योंकि केएल राहुल की बात करें तो पहले मैच में हाफ सेंचुरी आई लेकिन उसके दोनों मैच में फ्लॉप हो गए, ज्यादा कुछ ना कर पाए। क्विंटन डिकॉक पहले मैच में फ्लॉप है, दोनों मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो एक देखा जाए जिस मैच में क्विंटन डिकॉक चले उस मैच में केएल राहुल ना चले, जिस मैच में केएल राहुल चले उस मैच में क्विंटन डिकॉक ना चले, लेकिन सारे मैच में देवदत्त पड़िक्कल तीसरे नंबर पर फ्लॉप रहे थे। इनको एक विकेट पहले जा रहा था, तीसरे नंबर पे ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो इनिंग को संभाल सके, क्योंकि उसके बाद इनके पास फिनिशर अच्छे हैं जो देवदत्त पड़िक्कल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये खेलेंगे तो एकाध मौका इनको और दिया जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी हम यहाँ पे बात करें मार्कस स्टोनिस की तो कसके नहीं मार पा रहे हैं। देखा जाए तो पूरे तो 3-4 मैच हुए हैं तो 15-20 की पारी खेल रहे हैं, एक आधा छक्का एक आधा दो छक्का लगाते हैं लेकिन लंबी पारी ना खेल पा रहे हैं। लेकिन निकोलस पूरन की बात करें तो हमेशा चूरन खिलाते रहते हैं, चूरन चटाते रहते हैं गेंदबाजों को। तीन के तीनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी करी है किसने, निकोलस पूरन ने। लेकिन आयुष बदौनी की बात करें तो लगता है इस बारी ना बादाम खाया ही नहीं है। मुझे लगता है जो इनके जीजी थे गौतम गंभीर, इस बार जो आयुष बदौनी का बादाम है ना लेके चले गए केकेआर के खेमे में, तभी तो केकेआर के बल्लेबाज इतने छक्के लगा रहे हैं और आयुष बदौनी का बादाम ही नहीं दिख रहा। तो आयुष बदौनी भी पूरे मैच में फ्लॉप रहे। कुणाल पांड्या की बात करें तो गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं चली, उतने अच्छे विकेट ना मिले, लेकिन बल्लेबाजी में एक मैच में जरूरत थी वहां पर कुणाल पांड्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। तो एज ए फिनिशर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर दीपक हुडा आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि एक मैच खेला था उसमें 13 बॉल पर 26 रन, ताबड़तोड़ शुरुआत करी थी दीपक हुडा ने, उसको लंबा भी खेल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है। तो मे बी दीपक हुडा के आने के बाद बल्लेबाजी इनकी और भी सॉलिड दिखेगी, क्योंकि अभी ऊपर का एक बल्लेबाज बढ़िया कर रहा है क्विंटन डिकॉक या फिर केएल राहुल, बीच में निकोलस पूरन, बाकी के जो बल्लेबाज है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक बैक टू बैक मैचेस नहीं जीतेंगे। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई ने इस बार थोड़ा सा खोए खोए से लग रहा है, शायद जीजी को कॉल करना चाहिए गौतम गंभीर को, भैया मेरे गेंदबाजी को क्या हुआ, विकेट विकेट ना मिल रहे हैं, अभी तक सिर्फ एक ही विकेट इन्होंने चटकाया है। लेकिन मयंक यादव की तारीफ करनी पड़ेगी भैया, दो मैचों से खेला और दोनों मैचों में ना अकेले दम पे मैच जिता दिया। पहले मैच में पंजाब एक तरफा जीत रहा था, ये आते तीन विकेट चटकाते लखनऊ जीत जाता है। दूसरे मैच में भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, एक ही विकेट गिरा होता लेकिन जिस ओवर में ही आते एक फाफ का रन आउट, उसके बाद मैक्सवेल का विकेट, लखनऊ मैच जीत जाता है। तो मयंक यादव अपनी जो स्पीड गन से ना बल्लेबाजों को डरा रही, भैया मैक्सवेल को भी गति से बीड किया था, उधर पंजाब वाले में भी गति से बीड कर रहे थे सबको। नवीनुल हक की बात करें, नवीनुल हक भी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी मैचों में एक आधा मैच छोड़ दिया जाए तो सभी मैचों में विकेट चटकाए, किफायती भी हो रहे हैं। कौन, नवीनुल हक। लेकिन यश ठाकुर को जब भी मौका मिला ज्यादा कुछ अच्छा ना कर पाए भाई साहब। मणिमहन सिद्धार्थ की बात करते, पहले मैच में काफी ज्यादा महंगे हुए थे क्योंकि उस दिन शिखर धवन जॉनी बेस्टो ने बढ़िया पीटा था, लेकिन दूसरे मैच में आरसीबी के सामने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, बहुत खतरनाक नहीं ठीक ठाक। तो गेंदबाजी भी इनकी देखी तो ठीक ठाक है, बहुत खतरनाक नहीं है, बल्लेबाजी इनकी खतरनाक है लेकिन खतरनाक परफॉर्मेंस अभी तक कर नहीं पाई। तभी जो तीन मैच खेला दो जीता एक हारना पड़ा, अगर सब कुछ बढ़िया होता तो वो मैच भी ना जीत जाते। वहीं बात करें गुजरात टाइटन्स की तो भैया गुजरात टाइटन्स की टीम जो है ना वो मुझे लगता नहीं कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि रिद्धिमान साहब पहले भी वैसे ही परफॉर्मेंस करते थे। अगर चेंजेस की बात करें तो डेविड मिलर नीगल खत्म हो गया होगा, घबराहट से थोड़ा सा शांति मिली होगी तो केन विलियमसन की जगह पे आ सकते हैं, और दूसरा हो सकता है विजय शंकर की जगह पे शाहरुख खान या अभिनव मनोहर को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि दर्शन नालकंडे को एक ओवर के लिए आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझा रहा हूँ कैसे, ये आपको लिस्ट दिख रही है, कुछ ऐसी इनकी प्लेइंग इलेवन आज के मैच में दिख सकती है, बस डेविड मिलर फिट होंगे तो वो आ जाएंगे। तो रिद्धिमान साहब पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी खेल लें भैया, 10-15-20-25 रन इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ताबड़तोड़ बनाएंगे घर वापसी, तो इनका तो हमेशा का वही रहे। शुभमन गिल फॉर्म में नहीं दिख रहे थे लेकिन पिछले मैच में बता दिया कि शुभमन गिल ऐसे जल्दी बिल में नहीं घुसेगा। शुरू के 2-3 मैचों में जो फॉर्म तीखी नहीं थी, शुरुआत मिले थी लंबी पारी ना खेल पा रहे थे, वो पिछले मैच में करके दिखा दिया, और शुभमन गिल आपको हमेशा रन बनाते हुए दिखेंगे। साई सुदर्शन तीसरे नंबर पे खेल लेते तो सभी मैचों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, पिछले मैच में चौथे नंबर पे खिलाएगा, बोला अच्छा नंबर बदलोगे लेकिन काम ना बदला। सभी मैचों में साई सुदर्शन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी, केन विलियमसन को पिछले मैच में मौका मिला, शुरुआत मिली लंबी पारी ना खेल पाए। डेविड मिलर कल के मैच से पहले, उससे पिछला जो मैच था ना हैदराबाद के सामने, इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे जिताया था, क्योंकि जीटी फंसा हुआ था लेकिन इनकी खतरनाक बल्लेबाजी जीटी मैच जीत जाता है। विजय शंकर की बात करें तो आउट ऑफ फ्लाइ दिख रहे हैं, 2-3 मैचों में बल्लेबाजी आई, पिछले मैच में बताओ डेथ में बल्लेबाजी करने आए थे, 10 बॉल में 8 रन, ये घंटा कोई बल्लेबाजी है तो विजय शंकर भाई साहब फ्लॉप हैं। तभी सब हंसते हैं जब हार्दिक की जगह पे इनको खिलाया गया था, हालांकि पिछले सीजन अच्छी बल्लेबाजी करी थी लेकिन पिछले सीजन की बात क्या करना, इस सीजन का देखो ना अच्छा नहीं कर पा रहे। राहुल तेवतिया के अंदर अभी भी वही दमखम दिख रहा, आखिरी में 8-10 बॉल के लिए आते हैं, 2-3 चौके 2-3 छक्के, मतलब 300 के स्ट्राइकर से नीचे राहुल तेवतिया नहीं खेलेंगे जो कर रहे हैं। अजमतुल्ला उमर की बात करें
तो बल्लेबाजी एक मैच में ऊपर करवाई गई थी, उसमें 17-18 रन बनाए थे, उसके बाद ऊपर बल्लेबाजी करवाई नहीं गई, लेकिन सभी मैचों में एकाता दो विकेट चटका दे रहे हैं। तो जो एक ऑलराउंडर का काम है वो अजमतुल्ला उमरजई अपनी गेंदबाजी से कर रहे हैं। बल्लेबाजी का नंबर नहीं आ रहा तो बल्लेबाजी का ज्यादा जोड़ेंगे भी नहीं हम। बाकी नूर अहमद की बात करते भैया, क्या शानदार गेंदबाजी करी है, राशिद चच्चा से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों मैचों में ना, ऐसे ऐसे विकेट चटकाए ना। एक मैच में आते हैं ट्रेविस हेड को बिल्कुल सही जगह पे उखाड़ के फेंकते हैं, अगले मैच में भले ही मैच हार गए लेकिन जॉनी बेस्टो को जिस टाइम पे विकेट चटकाते हैं ना बिल्कुल मैच पलट दिया था। तो नूर अहमद तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन राशिद खान की बात करें तो विकेट भले ही अभी तक चार मैचों में चार मिले लेकिन इस बारी ना थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं। मतलब जो बल्लेबाज है ना वो थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, राशिद खान को एक आधा जो छक्का लगाने में कामयाब हो रहे हैं, तो राशिद का थोड़ा सा जो दबदबा है ना वो नीचे आ रहा है। लेकिन मोहित शर्मा की बात करें तो भाई सब खतरनाक गेंदबाजी करी मोहित शर्मा ने, सभी मैचों में विकेट चटकाए किफायती रहे। हाँ पिछला मैच में 37-38 रन बड़ा हो जाता कभी कभी मैच में, लेकिन सभी मैचों में जो गेंदबाजी मोहित शर्मा ने करी ना 10 ओवर के बाद, तो भैया 10 ओवर के बाद आना डेथ में ऐसी कमाल की गेंदबाजी करना मोहित शर्मा आपके लिए तो तालियां बनता है। लेकिन उमेश यादव की बात करें तो उमेश यादव एक आधा विकेट पिछले मैच में मिला था, उससे पहले भी मैच में एक आधा विकेट मिला था, एक मैच में दो विकेट भी मुंबई के सामने चटकाए थे, लेकिन वो भी बाद में जब गेंदबाजी करने आते हैं तब न्यू बॉल से जिस तरह से समी गेंदबाजी करते थे, तो मोहम्मद शमी की परछाई भी उमेश यादव में नहीं दिख रही, उस तरह की गेंदबाजी न्यू बॉल से नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा महंगे भी साबित हो रहे हैं। और दर्शन नालकंडे को पिछले मैच में किस लिए खिलाया गया था, आखिरी ओवर के लिए, यार कप्तानी अच्छी कर लो थोड़ा सा, नहीं तो मैचेस में और भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो जीटी ने दो मैच जीता है एक मैच बिल्कुल हारते हारते हारी गई थी मुंबई के सामने, वो तो बढ़िया गेंदबाजी मोहित शर्मा की वहां से मैच जीत लिया, दूसरे मैच में बिल्कुल हारी गए थे, वो तो पैट कमिंस की खराब कप्तानी, 16वें 17वें ओवर में लेग स्पिनर देना, दो लेग स्पिन को बॉल डलवाना लेफ्ट आर्मर को, सॉरी दो लेफ्टी के सामने साइंस दर्शन डेविड मिलर के, अगर वो एक गलती ना करते तो वो भी मैच हार गए थे, तो मतलब जीटी का खाता भी ना खुला होता। दो मैच जीते हैं सामने वाली टीमों की गलती की वजह से, अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना होगा। क्योंकि अभिनव मनोहर शाहरुख खान तो इनके पास ऐसे फिनिशर हैं जो बढ़िया कर सकते हैं, दर्शन नालकंडे को इम्पैक्ट और अभिनव मनोहर शाहरुख खान को यूज करके मतलब जो इम्पैक्ट प्लेयर का है ना रूल उसको बढ़िया से फायदा उठा सकते हैं, जो अभी तक ज़्यादा कुछ उठाया नहीं है किसी ने गुजरात टाइटन्स की टीम ने, तभी दो मैच जीता दो मैच हारा, जो दो मैच जीते वो मतलब हारते हारते जीते हैं। तो आगे बढ़े वीडियो में, तो उससे पहले मैं गिब्बे के बारे में बता दूं, देखो भैया इस वीडियो में गिब्बे ना है लेकिन इस मैच की जो फंटेसी वाली वीडियो है उसमें आपको गिब्बे मिल जाएगा। गिब्बे के अलावा आप जानोगे कि ड्रीम 11 में कैसे ग्रैंड लीग जीतोगे और 5 लाख का गिब्बे भी जीत सकते हो, वो जो वीडियो है आप सब इन फंटेसी यूट्यूब चैनल पे आ गई है जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके वो वीडियो देख लो और 5 लाख का गिब्बे अपने नाम पे कर लो। ड्रीम 11 में बढ़िया करना चाहते हो, कॉन्टेस्ट जीतना चाहते हो, तब भी वो वीडियो आपको काम में आएगी। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो लखनऊ ने अपने आखिरी के 6 मैच में 4 जीता 2 हारा, तो कहीं ना कहीं लखनऊ जो वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। गुजरात की बात करें तो आखिरी के 6 मैच में 2 जीता 4 हारे, वो भी जो 2 मैच जीते हैं मैंने बोला ना हारते हारते जीते हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 183 का जो बल्लेबाजी एवरेज होता है कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता है। बात करें लखनऊ की तो 189 189, जब 183 बढ़िया है तो 189 तो अच्छा होगा ही ना, ये अच्छा है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो लखनऊ का जो गेंदबाजी एवरेज है 9.02 का मतलब है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके गेंदबाज महंगे साबित हो जाते हैं। बात करें गुजरात टाइटंस के, इनका जो गेंदबाजी एवरेज है 9.00, तो इनके भी गेंदबाज इस सीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगे हो रहे। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो लखनऊ का जो रिजल्ट है वो बेहतर है किससे, गुजरात टाइटंस से, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 5-6 रन से लखनऊ आगे है, जो कि बहुत ज्यादा आगे नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो दोनों टीमों का बिल्कुल एक जैसा गेंदबाजी एवरेज है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच उड़ाने वाली है, जीतने वाली है, बस अभी आपको बताता हूँ, बस अभी 1 मिनट के अंदर, बस आप 30 सेकंड के अंदर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ तो अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कर दिया बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच है ना वो तो मेरे को बराबरी पर नजर आ रहा है, 50 लखनऊ सुपर जायंट्स 50 गुजरात टाइटन्स, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मुस्कुराइए लखनऊ मैच जीत सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आज का मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी इस मैच की जो फाइनल वाली प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है ना जिस ओवर में मैं बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो चेन्नई एंड हैदराबाद का मैच चल रहा है, मैंने बोला था कि 4th ओवर में विकेट जाएगा, पहले बॉल पे विकेट गए, एंड 6 ओवर 8 ओवर 10 15 20 ओवर में जिस ओवर में जितने रन बोलता हूँ उतने ही रन बनते हैं, और जिस टीम को बोलता हूँ मैच जीतेगी वही टीम मैच जीतती है। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो भैया इतना अच्छा काम टेलीग्राम पे आपको कोई नहीं देगा, आपको यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे टेलीग्राम पे जाओ। ये जो लखनऊ एंड गुजरात वाला मैच है ना इसको मेरे साथ
लगो, टेलीग्राम पे लगो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, एक बार जरूर ज्वाइन करें अगर IPL 2024 में आपको धमाल मचाना है तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।